मम्मी मैं तो चढ़ रहा हूँ। अरे मरिया, अरे बुरा मरिया। सुबह से उठते ही मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और 40-50 मिनट में साइकिलिंग एक बारी में खींच दी। एक्चुअली बात ऐसी कि मेरे एक दोस्त है शैलेश, वो शैलेश आप लोगों ने देखा होगा मेरे सेकंड व्लॉग में, वो आज मेरे घर आ रहा है। तो उसने मैं सोचा जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगा। और आप में से कुछ के कॉमेंट आए हैं, आपने आप में से कुछ लोगों ने नहीं बताया कि आपने क्या क्या एक्सरसाइज करी है। बाकी भी लोग बताओ कि क्या क्या किया आपने एक्सरसाइज में, और नहीं करे तो फिर प्लीज़ करो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। 20-25 मिनट, आधा घंटा दिन में टोटल आपको बस अपने शरीर को देना है। मैं भी अब नहा धो के तैयार होता हूँ क्योंकि फिर वो आने वाले। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में। और अभी मेरी शैलेश से बात हुई तो उसने बताया कि उसका वॉलेट जो था वो चोरी हो गया, किसी ने उसके बैग में हाथ डाला और उससे वॉलेट निकाला, उसको पता भी नहीं चला, पता नहीं क्या भीड़ वगैरह में था जो भी था। तो कह रहे मेट्रो कार्ड उसको दोबारा बनाने पड़ रहे, आ रहे लेकिन ज़रा देर हो जाएगी क्योंकि मेट्रो कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा, फिर मेट्रो कार्ड के थ्रू यहाँ तक आएगा तो बुरा हुआ। आता उसे मिलता फिर। ये कौन बैठी है, ये कौन बैठा है सबको परेशान करने वाला, सबको परेशान करने वाला। हाँ मम्मी, शैलेश का वॉलेट चोरी हो गया, मेट्रो कार्ड दोबारा बनवाना पड़ रहा है। अभी पैसे पैसा सब गए, कार्ड गया। कितने थे उसके पास? वो तो मुझे नहीं पता लेकिन सब गया। आ रहे थे कार्ड कैसे बनवाएगा अब दोबारा, मतलब कुछ होंगे कैश जेब वगैरह में रख जाऊंगा, नहीं फोन तो है ही, पेटीएम से कर दिया पेमेंट। वॉलेट चोरी होता ही है, मेट्रो में हुआ है? मैं नहीं, मेट्रो में कैसे हो जाएगा, मेट्रो कल से पहले ही हो गया, मेट्रो स्टेशन जा रहा था वहाँ पे, शायद तभी हो गया भीड़ वगैरह में। और वो भी जेब में भी नहीं था, जेब में भी नहीं था, उसमें था क्या कहते हैं बैग में रखा था, बैग में से किसी ने हाथ डाला फ्रेंड्स को निकाल लिया, खुला रह गया होगा चेन उसका जो भी है। पर आप भैया जेब आ रहे थे उनकी? हाँ हाँ वही आ रहे हैं बस टाइम लगेगा, बस वही बता रहा है। अभी इसी के साथ साथ एक और समस्या हो गया, अभी ये कल ही फ्रिज लिया है, मतलब अभी 2 दिन ही हुए इसको और इसमें कूलिंग नहीं कर रहे, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड, सब कुछ ठीक करके देख लिया। पहले कहा कि वेकेशन मोड वगैरह पे चला, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हाईएस्ट पे करेगा, मैक्सिमम पे करेगा, नंबर 5 पे करेगा दोनों साइड, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अभी सैमसंग इंजीनियर को बुलाया है, वो आ रहा है, देख के बताएगा फिर क्या गड़बड़ हो रही है। अरे बाहर कूड़े वाले भैया हैं तो उन पर भौंक लग गया। मतलब सिम्बा हर चीज तुमसे परमिशन ले, हम घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हाँ तुम तो राजा हो घर के, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। अभी भी नजरें बाहर है। सिम्बा कुछ पूछा मैं, जवाब तो दो भाई। सिम्बा ए सिम्बा, सिम्बा जवाब नहीं देता, सिम्बा रिस्पॉन्स देता है। सिम्बा सिम्बा इग्नोर नहीं। अच्छा बाहर आ गया। अभी शैलेश और सैमसंग इंजीनियर दोनों को वेट हो रहा है। अभी पहले सैमसंग इंजीनियर का काफ़ी ज़्यादा वेट करी मम्मी, क्योंकि अगर फ्रिज में फिर से हम सामान लेके आए फिर से ख़राब ना हो जाए। और बड़े दुख की बात है कि आते फ्रिज में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिस पर्पज़ के लिए फ्रिज लिया था वही पर्पज़ उसका फेल हो। अभी सिम्बा को मैंने बाहर छोड़ दिया, अभी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सिम्बा आओ, सोच रहा कैसे हूँ। हाँ आओ सिम्बा ले, हाँ हाँ आओ आओ, हाँ खोल ले। अरे बिस्किट खाएगा? हाँ अरे आ गया, गुड बॉय। आ गए, 10 जन्मों बाद आ गए सर, 10 जन्मों बाद। जीनियस बिलियनेयर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट। एक बार फिलैंथ्रोपिस्ट को क्या पढ़ा तूने? फिजियोथेरेपिस्ट। यही होता है, अब फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। आजा तेरे को इंतर नहीं, नहीं आजा पहन जा, पहन ले। मिल ले, कुछ नहीं करें। अभी तक व्लॉग मेरे कुत्ते की तो खुशबू नहीं सोख रहा। कुछ नहीं करें। ऐसे ही खड़ा रहे थोड़ी देर, अपने आप ही बोर होके बैठ जाएगा। हाँ बस मिल लिया सिम्बा, मिल लिया। इसका बटुआ चोरी हो गया रे, खुशी हो मना रहे। अबे क्यों हंस रहे इतना? मतलब जिसको भी मिला उसको भी नुकसान हुआ। मतलब जिसको भी मिला उसकी सिर्फ 500 रुपए की दिहाड़ी हो पाई, और क्या कहते हैं उसे 500 रुपए देंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो वैसे फोटो लगाए थे ना ऐसे अपना चेहरे पे वो काला पोत के, और फिर वो लिखा था ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
कुछ करते हैं कुछ लोग सजे वाली फोटो डाल देते हैं और उसको अपना अपना ही चेहरा काला कर देते हैं फोटो में एंड यार मुझे अभी याद है उसके अंदर मेरी फोटोज भी थी पासपोर्ट साइज से वो तो वो तो दोबारा खिंचवानी पड़ेंगी कोई बात नहीं मतलब जनरली मैं अगर चोर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही बोलूं आपको सावन का पहला सोमवार था उसको व्रत के तुम्हें पैसे मिल गए ठीक है जाके जाओ कुछ खाओ पियो और क्या मतलब मैंने आयरन मैन की टी शर्ट पहन रखी है और इसने वॉर मशीन की आयरन मैन वॉर मशीन है आयरन मैन की टी शर्ट है नहीं ये आयरन मैन ये वॉर मशीन है यार तो कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए कर देखो ये वॉर मशीन है आयरन मैन ये मैं इस बंदे मैं इस बंदे ये बता दूं ये क्या नाम है डीसी में बैटमैन बन जाता है ठीक है मार्वल में आयरन मैन मार्वल में आयरन मैन है एमसीयू में आयरन मैन और मार्वल सोनी मार्वल में स्पाइडरमैन हम क्या फिर मतलब एंटमैन बन के घूमे वो जो चोर है वॉर मशीन बना रहा हूँ बे वॉर मशीन पे आर्मर सीरीज आ रही है वॉर मशीन वैसे पता है मुझे वॉर मशीन सच में कूल और उसका सूट मुझे बहुत कूल लगता है वॉर मशीन का खासतौर पर जो एंड गेम है ना लास्ट वाला नहीं लास्ट वाले से जो पहला था लास्ट में टूट जाता है जो टूट जाता है वो वाला ग्रे और ब्लैक कलर का बड़ा कूल सूट था वो जिसको पहन के वो नेबुला के साथ वहाँ जाता भी है नेबुला बोल रहा हूँ जिससे वो एक डायलॉग बोलता है हिंदी में इससे तुम्हें गुदगुदी तो नहीं होगी लेकिन तुम्हें मार भी दूँ मुझे याद नहीं मतलब हिंदी में इंग्लिश में देखी है ना इशारे में मिलने के लिए जरा इससे मैं मिल लूँ मैंने कहा ऊपर जाके मैंने कहा अरे आंटी इतना आवाज में आ रही है आप ही ऊपर आ जाओ मैं प्लीज सिम्बस की सॉक्स लेके आ गए शैलेश की ऊपर ने चढ़ जाए बस सिम जाओ यहाँ से जाओ नीचे जाओ जाओ नहीं नहीं ऊपर चढ़ने वाले है ये पक्का ऊपर चढ़ेगा अबे मिल ले तू खुद ही कह रहे पहले से प्यार करने पे कर ले प्यार काम डाउन उसको बड़ी इंग्लिश समझ आती है देख बैठ गया प्यार से बैठ गया इतने तेरे को नीचे बुला रहा है हाँ बस खेलना जा रहा है तेरे साथ प्यार कर उसको बैठ के आराम से बैठ जा हाँ देख तेरे पास ही आएगा गाइस तो आपने देखा मैंने सिम्बा को कैसे मैंने काबू में करा बहुत ही जेन्युइन बहुत ही वैसा बंदा था मैंने मतलब इतनी मेहनत और मतलब ये मेरे लिए बहुत इजी था इसको काउंट डाउन करना ये तो अभिनीत ने ना कोई मैं कुछ खास डरा वरा नहीं और अभी नहीं भी पकड़ता मैं तब भी सिम्बा जैसे डॉग्स को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ यू नो मेरे पास खुद के पास भी मेरे पास दो तीन शेर हैं और फाइनली अब सिम्बा और शैलेश की दोस्ती हो गई है लेकिन अभी भी चौंकना है सिम्बा कि शैलेश वहाँ से खड़ा होगा उस पर अटैक मैं भी अपने आप को थोड़ा डर डर महसूस करता हूँ तू मत बोल भाई तू मत बोल तू चुप रह तू कुछ मत बोल देख कुछ कह नहीं रहा वैसे तो मालिश हो रही है शैलेश मेरी एक शॉर्ट फिल्म देख रहा है जो कि मैंने शुभांगी के साथ आज से बहुत सालों पहले करी थी बताइए कैसी लगी शॉर्ट फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी शॉर्ट फिल्म और क्या नाम है मुझे मतलब हमेशा से लगता था कि तो बार बार ना कैमरे करके बसता कि ये बोलता था हाय गाइस ये वो हाय गाइस ये किसी की हाय गाइस नीड फैमिली पता नहीं अभी क्या चल रहा है अभी नीड डायरी हाँ तो क्या नाम है मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ तो इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कहाँ से सीखी तूने इतनी मतलब एक जो इंजीनियर होता है वो सब कुछ कर लेता है वी आर गुड एट एवरीथिंग और एक्चुअली इंजीनियरिंग के छोड़ के हम सब चीज में अच्छे होते हैं तो इसलिए हाँ तो उसके लिए मैं समझ गया सब्सक्राइब कर देना तुम इसका चैनल अगर आप लोगों को शॉर्ट फिल्म देखनी तो मुझे बता देना मैं नेक्स्ट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नहीं तो इसमें मैं डालता हूँ पिन कमेंट में डालता हूँ नीचे इसमें शुभांगी भी है ये 3 साल पुरानी वीडियो है हमारी मैं उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देख लेना शॉर्ट फिल्म 5-6 मिनट की है फैमिली वगैरह साथ देख लेना जो भी आपके कॉमेंट्स है वो जाके मुझे बता देना हाँ इस शॉर्ट फिल्म में सोशल मैसेज भी है देवेंद्र रिपोर्ट
दोस्तों तो आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही खुला हुआ मौसम है और क्या नाम है हल्की हल्की बूंद के साथ ये बारिश आई जा रही है काफ़ी ज़्यादा ठंडा माहौल बना हुआ है और आपको हम लाइव अपडेट ही देते रहेंगे अभिनीत डायरी से। इतना तू व्लॉगिंग का भी मत करियो, मैं सच बोल रहा हूँ, उसको व्लॉगिंग नहीं, व्लॉग करना इज आर्ट वो हो गया क्या तुम्हारे इधर का पानी ठीक है जो क्या वो हो गया ठीक जो लास्ट ब्लॉग में दिखाया था तूने कि यहाँ से इन्होंने कुछ वो दिख रहा था तो यहाँ पे पानी भरा हुआ नहीं दिख रहा ना नहीं दिख रहा हाँ तो हो गया क्योंकि ठीक तो यहाँ के लोग जिम्मेदार वहाँ पे वो बन चुका है इधर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या फिर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रोकने के लिए वो सॉर्ट आउट यहाँ के लोग जिम्मेदार है हमारे घर में होता तो अभी तक तो एमसीडी वाले भी नहीं आते। तो दोस्तों ऑल थैंक्स टू शैलेश जो कि फिलहाल अभी सोच चुका है। कल जो मुझे माइक की समस्या हो रही थी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो ऑडियो सिंक की दिक्कत हो रही है, ऑडियो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। वो दरअसल FPS की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा जो फोन था वो पहले 60 FPS से रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन कहते हैं मैं 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑडियो सिंक हो रही है। वो बस ऐसा हो रहा है कि वो वीडियो पहले भाग रही थी ऑडियो बाद में आ रही थी लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो मैं वो अपने अच्छे से कैमरे से बैक साइड से उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और आपको वाइड एंगल व्यू दे सकता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू शैलेश। शैलेश प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अबे हर बार नहीं बोल रहा, शैलेश सो चुका है। ऐसे लेट हो जैसे अपने सपनों में क्रश को देख रहा हो, गाल पे हाथ रख के उड़िया 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 उड़िया। अबे कितना सोएगा, उठ जा। शैलेश मैं और शैलेश चाचा आ चुके हैं मैकडॉनल्ड्स, हमको मैकडॉनल्ड्स वाले खाना खिला रहे हैं। थैंक यू शैलेश चाचा। एज यूजुअल मैं जहाँ पे आके बैठता हूँ अपनी जगह पे, मैं हर बार यहीं आके बैठता हूँ मैकडॉनल्ड्स पे भी आया इसी जगह पे, एग्जैक्टली इसी जगह पे आके यहीं पे आके इधर बैठा हूँ। एक्चुअली फेवरेट स्पॉट बन चुका है। तूने बिग बैंग थ्योरी देखा है? हाँ। उसमें शेल्डन कहता है ना दैट्स माय स्पॉट, ये मेरा स्पॉट बन चुका है, ये मेरा स्पॉट मैं यहीं पे बैठता हूँ। हाँ बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि जो आज वाला व्लॉग है वो कल भी कंटिन्यू होगा क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे किस्से कहानी है जो कल बताने हैं, वो स्कूल वाली कहानी और प्लस मेरे स्कूल वाली कहानी। तो कल वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल वाले व्लॉग में बहुत कुछ प्लस एक सरप्राइज भी है जो बता दूँ, कल कल ही बताऊँ, कल वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। तो इसलिए व्लॉग को आप कल वाला व्लॉग तो डेफिनेटली देखना। हाँ कल वाला जरूर देखना और हम ट्राई करेंगे कि मैं हर मंथ इसके घर पे आऊँ, एक बार आएंगे इसके घर पे रहूँ और इसकी सारी शरारतें तुम्हें बताऊँ, ये बहुत सारी चीज़ें छुपाता है तुमसे, सारी पोल पट्टी खोल के जाऊंगा मैं, चिंता मत कर। बाय शैलेश। बेल्ट लगा लो हमने। गाइस शैलेश को तो मैंने छोड़ दिया पर अभी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। देखो ये सारी पानी वगैरह की मैं बॉटल्स यहाँ पे मेरे से ऊपर का सबसे ऊपर वाला रूम है यहाँ पे मैं रखने के लिए आया हूँ क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हमारा रखा है पुराने वाला फ्रिज तो उसमें सारी बॉटल्स रखनी है। अब बॉटल्स क्यों रखनी है? बिकॉज जो नया वाला फ्रिज आया है वो मुश्किल से 8-9 घंटे चला, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन हमने लिया शाम को आया था आप लोगों ने देख लिया वीडियो में, उसी अगली सुबह फ्रिज काम करना बंद कर दिया, कंप्रेसर बंद कर दिया। अब जब हमने कंप्लेंट डाली स्टोर पे तो सैमसंग वगैरह से बात हुई तो उन्होंने कहा, जो उसका इंजीनियर है सैमसंग वो कहता कि सर हमने आपका जो कंप्रेसर है जो नया का नया फ्रिज है उसको पूरा खोल के हम कंप्रेसर चेंज कर देंगे, उसके वायरिंग वगैरह काट के नहीं लगा देंगे। हमने नया फ्रिज लिया है हम उसको ठीक क्यों करेंगे, हमको रिप्लेस करके दो। एक 24 घंटे नहीं चला वो फ्रिज तो हमने उनसे रिप्लेसमेंट की बात करी है तो देखते हैं अब कब तक रिप्लेस होता है वो। लेकिन ये बड़ी समस्या आ गई, मतलब जिस दिन लिया फ्रिज उसी दिन ख़राब डिफेक्टिव पीस मिल रहा है। और आप लोगों को तो मैं बताया था कि फ्रिज की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बुरा लग रहा है। ऊपर से फिर उन्होंने कहा कि अगर फ्रिज रिप्लेसमेंट भी होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब फ्रिज रिप्लेसमेंट फ्रिज के बिना कैसे काम चलता है? उसमें सारी दवाइयाँ रखी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं मम्मी की, स्माइल ड्रॉप्स वगैरह बहुत दवाइयाँ हैं, उसके अलावा सब्जियाँ दूध वगैरह कैसे काम चले? तो वो लकीली भी क्या ही बोलूँगा, जो पुराने वाला फ्रिज है वो थोड़ा बहुत काम कर लेता है, नीचे वाला पार्ट उसका थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ी बहुत, तो उसी में पानी की बोतल मम्मी ने कहा उसमें भी रख ले, एटलीस्ट ना ठंडी होने से थोड़ी और भी ठंडी हो जाए वही बेटर है। तो इसलिए मैं अभी ऊपर आया यहाँ पे। फिर वैसे टीम सैमसंग से बात हुई, जो सैमसंग कस्टमर केयर है अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, पर जब वो उन्होंने कहा कि हम जो इंजीनियर ने जो भी कहा वो सैमसंग का जो भी आया था तो उन्होंने कहा कि हम उसका कंप्रेसर चेंज करें, वो सुनकर बड़ा ख़राब लगा कि हम चेंज क्यों कराएं इसको, हम पूरा रिप्लेस कराएंगे प्रोडक्ट को।
आप मतलब फ्रिज को खोल रहे हो तो वियर एंड टीयर भी तो कुछ होता है, मतलब 10 साल की वारंटी है, 10 साल की वारंटी पहले दिन ही 24 घंटे के अंदर अंदर ही खराब हो जाते हो कहते हो प्रोडक्ट, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका प्रोडक्ट खराब है चेंज करिए। कहाँ बैठी है छोटी बच्ची, कहाँ बैठी है? यार नया फ्रिज, कुछ कूलिंग नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सब खराब हो गया। तो गाइस बस यहीं तक रखते हैं आज के दिन को और आज के ब्लॉग को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास सैमसंग के प्रोडक्ट्स हो तो अच्छी चीज़ है, लेते रहिए, बस हमारे साथ थोड़ी दिक्कत आई है, आई होप ये जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, सब्जियाँ रखी हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, और इसी कारण की वजह से नया रेफ्रिजरेटर लिया था, जो रेफ्रिजरेटर लिया वही उसी दिन ही ख़राब हो गया, उसी दिन ख़राब प्रोडक्ट मिला, तो उस चीज़ का बड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, बट ठीक है सैमसंग इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा, जो भी है हो जाएगा जल्दी से जल्दी, जस्ट होप हो जाए। और कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, कल का ब्लॉग बहुत चटपटा होने वाला है, मेरे और शैलेश की कुछ कॉन्वर्सेशन है जो कि मैंने आज रिकॉर्ड कर ली थी, पर वो ब्लॉग लंबा और जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में डाली है, तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग। और आज का कोट ऑफ द डे है, डू गुड एंड गुड विल कम टू यू, अच्छा करिए और आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अच्छा भी आपकी तरफ आता ही रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, मिलता आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।